हनुमान जी को क्या कहा जाता है, वज्र। वज्र यानी कि हार्ड। एक अलग पर्सपेक्टिव से अगर हनुमान चालीसा को भी देखने की कोशिश करें तो अगर आप उसको रोज करते हैं ना तो वो आपकी सेंसिटिविटी को मिटा देता है, आपको हार्ड बना देता है। और जो साधना करते हैं या मेरे जैसे स्पिरिचुअल इंसान है जिसको सेंसिटिविटी की जरूरत है तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मैं हनुमान चालीसा भी हर रोज नहीं। ऐसा जरा भी नहीं है। किसी भी शास्त्र में हनुमान जी, तुलसीदास जी या फिर किसी भी आचार्य ने ऐसा नहीं बोला है कि हनुमान चालीसा करने से आपका हृदय कठोर होता है। इनफैक्ट रेगुलरली हनुमान चालीसा का पाठ करने से साधक के हृदय में भाव बढ़ता है, अनुकंपा बढ़ती है, जीव मात्र के प्रति दया बढ़ती है। हम पर्सनली ऐसे भक्तों को जानते हैं जिन्होंने प्रतिदिन 108 हनुमान चालीसा करने का प्रण लिया हुआ है। वैसे प्रण 21 दिन का लिया था, परंतु 21 दिन में भाव इतना बढ़ गया कि अभी 6 साल हुए उन्होंने एक भी दिन 108 हनुमान चालीसा किए बिना नहीं छोड़े। और अभी वे इतने मृदुल स्वभाव के हो गए हैं कि यदि बात करो तो लगता है जैसे कोई वैकुंठ से उतरा आदमी हो। ये आजकल कंटेंट बनाने की होड़ में कोई भी लल्लूपन जो कुछ भी मनगढ़ंत बोल देता है। न शास्त्रों से सम्मतता रखनी है, न आचार्यों से सम्मतता रखनी है और न ही किसी सनातन परंपरा से सम्मतता रखनी है। बस कुछ ऐसा नया बोल दो कि सोशल मीडिया पर भोले भाले सनातनी ऐसा बोलने लगे कि अरे वाह, ऐसा तो कहीं नहीं सुना था, बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहा है तो सही ही बोलता होगा। तो आप सब सनातनियों से हमारी यह हाथ जोड़कर विनती है कि सनातन के नाम पर ऐसे मनगढ़ंत बातें फैलाने वालों का आज ही त्याग कीजिए और चिंता मुक्त होकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपका इतना निर्मल हो जाएगा कि भगवान राम स्वयं आकर उसमें वास करने लगेंगे।